हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा YouTube चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शेल के 23वें यूज के बारे में, और वो क्या है? सब्जेक्ट शेल हैव गॉट देन ऑब्जेक्ट। जैसा दोस्तों मैंने बताया भी था कि शेल हैव, शेल बी हैविंग या शेल हैव गॉट, दो तीनों एक दूसरे की जगह इस्तेमाल हो सकते हैं। आप शेल हैव गॉट की जगह शेल बी हैविंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, शेल हैव भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है कि कौन सा स्ट्रक्चर आपको इजी लगता है। पर अगर आप मेरी माने तो आपको हर तरह के स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि आपकी समझ जितनी ज्यादा होती है तो वैसे ही जब आप इंग्लिश किताबें पढ़ते हैं तो आपको बहुत एडवांटेज मिलता है, क्योंकि आपको सभी तरह के स्ट्रक्चर पते होते हैं तो आपको मीनिंग निकालने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। इसलिए सभी तरह के स्ट्रक्चर को आपको समझना चाहिए। सो शेल हैव गॉट, सब्जेक्ट शेल हैव गॉट ऑब्जेक्ट, कर्ता के पास कुछ होगा, मतलब कर्ता के पास फ्यूचर में कुछ होगा, कर्ता में कुछ होगा या कर्ता को कुछ होगा। ये मैंने बताए हुए पिछले कॉन्सेप्ट में भी। जैसे मेरे पास कार होगी, हमारे पास बैंक बैलेंस होगा, मेरे पास डिग्री होगी, हमारे पास डिप्लोमा होगा, मेरे पास सर्टिफिकेट होगा, मेरे पास फोर व्हीलर का लाइसेंस होगा, हमारे पास नया मोबाइल होगा, हमारे पास मोटिवेशन होगा, हमारे पास कॉन्फिडेंस होगा, या फिर कर्ता में कुछ होगा। जैसे मुझ में कॉन्फिडेंस होगा, मुझ में एनर्जी होगी, हम में मानवता होगी, हम में अपनापन होगा, हम में भाईचारा होगा, हम में क्यूरियोसिटी होगी, है ना, मुझ में उत्साह होगा, मुझ में मीन्स कर्ता में, है ना, कर्ता को कुछ होगा। जैसे मुझे बुखार होगा, है ना, हमें कमजोरी होगी, हमें मलेरिया होगा, मुझे टाइफाइड होगा, मुझे सर्दी होगी, इस तरह के। और मैं और हमें ही यूज क्यों कर रहा हूं? क्योंकि शेल हैव गॉट है ना, तो इसलिए हमको सब्जेक्ट आई और वी ही रखने पड़ेंगे, तभी हम यूज कर पाएंगे। अगर दूसरे सब्जेक्ट हम यूज करना चाहे तो थोड़े से सेंटेंस का सेंस बदलता है। जैसे राम को सर्दी होगी ही, मुझे ऐसा 100% गारंटी है कि राम को सर्दी होगी ही, सीता को कैंसर होगा ही, है ना, जैसे उसे बुखार होगा ही, तब हम लोग दूसरे सब्जेक्ट के साथ भी यहां पर शैल इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं आई और वी के सेंस में। मेरे पास कार होगी, सो आई शैल हैव होगी, है ना, आई शैल हैव गॉट कार। हमारे पास बैंक बैलेंस होगा, सो वी शैल हैव गॉट बैंक बैलेंस। मेरे पास एमबीए की डिग्री होगी, सो आई शैल हैव गॉट डिग्री ऑफ एमबीए। हमारे पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होगा, सो वी शैल हैव गॉट सर्टिफिकेट ऑफ कंप्यूटर। मेरे पास मोटिवेशन होगा, आई शैल हैव गॉट मोटिवेशन। हमारे पास सक्सेस होगी, सो वी शैल हैव गॉट सक्सेस। मेरे पास पढ़ाने का तरीका होगा, आई शैल हैव गॉट टीचिंग स्किल। हमारे पास सोचने का तरीका होगा, सो वी शैल हैव गॉट थिंकिंग एबिलिटी। जैसे मेरे पास एक बड़ा बंगलो होगा, सो आई शैल हैव गॉट अ बिग बंगलो। जैसे हमें सर्दी होगी, सो वी शैल हैव गॉट कोल्ड। मुझे टाइफाइड होगा, आई शैल हैव गॉट टाइफाइड। हमें मलेरिया होगा, सो वी शैल हैव गॉट मलेरिया। या फिर हमें कॉन्फिडेंस होगा, सो वी शैल हैव गॉट कॉन्फिडेंस, है ना। मुझ में एनर्जी होगी, सो आई शैल हैव गॉट एनर्जी। ऐसे सेंटेंस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पांचों बनाने वो भी देखिए। मेरे पास पैसा होगा, सो आई शैल हैव गॉट मनी। अभी नहीं, फ्यूचर में हम इमेजिन करके देख रहे हैं कि मेरे पास पैसा होगा, है ना, सो आई शैल हैव गॉट मनी। मेरे पास पैसा नहीं होगा, सो आई शैल नॉट हैव गॉट मनी। क्या मेरे पास पैसा होगा, सो शैल आई हैव गॉट मनी। मेरे पास पैसा क्यों होगा, सो वाई शैल आई हैव गॉट मनी। किसके पास पैसा होगा, सो हु शैल हैव गॉट मनी। हमारे पास बैंक बैलेंस होगा, सो वी शैल हैव गॉट बैंक बैलेंस। हमारे पास बैंक बैलेंस नहीं होगा, सो वी शैल नॉट हैव गॉट बैंक बैलेंस। क्या हमारे पास बैंक बैलेंस होगा, शैल वी हैव गॉट बैंक बैलेंस। हमारे पास बैंक बैलेंस क्यों होगा, सो वाई शैल वी हैव गॉट बैंक बैलेंस। और किसके पास बैंक बैलेंस होगा, सो हु शैल हैव गॉट बैंक बैलेंस। मेरे पास सर्टिफिकेट होगा, सो आई शैल हैव गॉट सर्टिफिकेट। मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं होगा, सो आई शैल नॉट हैव गॉट सर्टिफिकेट। क्या मेरे पास सर्टिफिकेट होगा, Shall I have got certificate? मेरे पास certificate क्यों होगा? तो why shall I have got certificate? और किसके पास certificate होगा? Who shall have got certificate? हमें malaria होगा, so we shall have got malaria. हमें मलेरिया नहीं होगा, वी शैल नॉट हैव गॉट मलेरिया। क्या हमें मलेरिया होगा, शैल वी हैव गॉट मलेरिया। हमें मलेरिया क्यों होगा, सो वाई शैल वी हैव गॉट मलेरिया। किसे मलेरिया होगा, सो हु शैल हैव गॉट मलेरिया। जैसे मुझ में उत्साह होगा, मुझ में मिस करता में, है ना, मुझ में उत्साह होगा, सो आई शैल हैव एंथुसियाज्म। मुझ में उत्साह नहीं होगा, सो आई शैल नॉट हैव एंथुसियाज्म। क्या मुझ में उत्साह होगा, शैल आई हैव गॉट एंथुसियाज्म। मुझ में उत्साह क्यों होगा, सो वाई शैल आई हैव गॉट एंथुसियाज्म। और किस में उत्साह होगा, सो हु शैल हैव गॉट एंथुसियाज्म। जैसे हम में, या मैं बोलूं, हमारे पास
हमारे पास नई बाइक होगी, सो वी शैल हैव गॉट अ न्यू बाइक. हमारे पास नई बाइक नहीं होगी, सो वी शैल नॉट हैव गॉट अ न्यू बाइक. क्या हमारे पास नई बाइक होगी? शैल वी हैव गॉट अ न्यू बाइक. हमारे पास नई बाइक क्यों होगी, या मैं बोलूं कब होगी? सो व्हेन शैल वी हैव गॉट अ न्यू बाइक. किसके पास नई बाइक होगी? सो वी शैल हैव गॉट अ न्यू बाइक. इस तरह आप सेंटेंस बना सकते हैं आई और वी का यूज करके. और इसके अलावा भी अगर दूसरा सब्जेक्ट भी है, जैसे राम को कैंसर होगा ही. अब मैं फ्यूचर में, मतलब जिस तरह से राम की कंडीशन दिख रही है उसके हिसाब से राम को कैंसर होगा ही. सो राम शैल हैव गॉट कैंसर. उसे बुखार होगा ही. वो जितना पानी में खेल रहा है ना, उसके आधार पर मैं बोल रहा हूं कि उसको बुखार होगा ही. सो ही शैल हैव गॉट फीवर. राधा को कमजोरी होगी ही. राधा जितनी काम कर रही है ना, आगे जाके राधा को कमजोरी होगी ही. सो राधा शैल हैव गॉट वीकनेस. ऐसे आप बना सकते हैं. गाइस कुछ रिटन में भी सेंटेंस देखते हैं. जैसे हमारे पास ज्ञान होगा, सो वी शैल हैव गॉट नॉलेज. हमारे पास ज्ञान होगा, ठीक. मेरे पास ऊर्जा होगी, सो आई शैल हैव गॉट एनर्जी. मेरे पास एनर्जी होगी. आगे देखो, राम के पास मोबाइल होगा ही. मैंने बोला ही और राम के पास, तो दूसरे सब्जेक्ट के साथ भी जब हम श्योरिटी की बात करते हैं तो हम लोग शैल यूज कर सकते हैं. सो राम शैल हैव गॉट अ मोबाइल. राम के पास मोबाइल होगा ही. हम में इंसानियत होगी. हम में मतलब वी शैल हैव गॉट. हम में मतलब कर्ता में है ना. सो वी शैल हैव गॉट इंसानियत, मतलब ह्यूमैनिटी. सो वी शैल हैव गॉट ह्यूमैनिटी. मुझ में कुछ करने का साहस होगा. मुझ में मतलब मेरे अंदर है ना. सो आई शैल हैव गॉट करेज. करेज मतलब साहस होगा कुछ करने का. टू डू समथिंग है ना. सो मुझ में कुछ करने का साहस होगा. सो आई शैल हैव गॉट करेज टू डू समथिंग. दोस्तों अगर एक ही सेंटेंस को पांचों में कन्वर्ट करते हैं उसको भी देख लेते हैं. जैसे मेरे पास बंगलो होगा, सो आई शैल हैव गॉट अ बंगलो. मेरे पास बंगलो नहीं होगा. बंगलो को हम हिंदी में बोलते हैं बंगला, है ना. सो मेरे पास बंगलो नहीं होगा. सो आई शैल नॉट हैव गॉट बंगलो. क्या मेरे पास बंगला होगा? शैल आई हैव गॉट बंगलो. मेरे पास बंगला क्यों होगा? सो वाई शैल आई हैव गॉट बंगलो. और किसके पास बंगला होगा? सो हु शैल हैव गॉट अ बंगलो. किसके पास बंगला होगा? तो इस तरह दोस्तों हम लोगों ने शैल हैव गॉट के यूजेस सीखने की कोशिश की, जो कि हमारा शैल का 23वां यूज था. तो गाइस उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको शैल हैव गॉट अच्छी तरह से समझ में आ ही गया होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड.